चलिए बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर से सड़क के चौड़ीकरण की मांग की है। दरअसल बिलासपुर मंगला चौक में ज्यादा ट्रैफिक और सड़क सक्रिय होने पर ही आए दिन जाम लगा रहता है। ऐसे में स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। एक तरफ स्कूल पहुँचने में बच्चे लेट हो जाते हैं, वही दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। यहाँ सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से आए हैं। मंगला की जो सड़क है जो उसलापुर की ओर जाती है और मेन जो सड़क है वहाँ पे बहुत सारे अस्पताल और बहुत से स्कूल खुल गए हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन वहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है और बेजा कब्जा रास्ते में जो ठेले वगैरह लगते हैं उनके कारण सड़क और ज्यादा सक्रिय हो रही है। कहीं पर तो गाँव वालों ने इसको सड़क को खोद के नाला ही बना दिया है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, ताकि बच्चों को विद्यालय आने जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और लोगों को जाम में फंसना न पड़े। मंगला से आए हैं और हमें स्कूल से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग 12 बजे स्कूल से 11 बजे निकल रहे हैं तो हम लोग 12 बजे पहुंच रहे हैं, बहुत रास्ते में जाम रहता है, हमको बहुत दिक्कत होती है और दुर्घटना की बहुत ही। मेरा नाम करण साहू, मैं 12th में पढ़ता हूँ, टीचर स्कूल मेरा नाम टीचर स्कूल है मेरा। रोड पे आने जाने बहुत दिक्कत होते रहता है, अगर हम लोग 11 बजे निकलते हैं तो 1 बजे 1:30 बजे से पहुंचते रहते हैं और ट्रेन में भी दिक्कत होता है, पढ़ाई में भी दिक्कत होता है। इस वजह से मेरे 10वीं बहुत कम मार्क आया है, इसलिए सरकार से किस तरह की गाड़ियां चलती है आपका? हाँ, ट्रक भी चलता है, बस भी चलता है, इसलिए बहुत रोड जाम हो जाता है और स्टूडेंट का भी बहुत मतलब संभावना रहता है वहाँ पर। 2 दिन पहले वहाँ रोड चौड़ा कर